यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ नामांकन किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भगवान का नाम लेकर नारियल फोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने डीएम के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी का ये अनोखा नामांकन चर्चा का विषय बन रहा है। चौकीदारी करेंगे सर, क्या कहें सर इस पर? आज तो मैं यहाँ शाहजहांपुर लोकसभा चुनाव 2019 के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्म स्वरूप सागर जी के नामांकन के अवसर पे यहाँ मैं आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी लगातार कहते आए हैं और उन्होंने बताया भी है और देश ने देखा भी है कि 5 साल सत्ता जिनकी रही प्रदेश में भी और केंद्र में भी, पूरे 5 साल हो गए, तो कितनी चौकीदारी की, कौन कौन लोग भाग गए भारत से, ये सब जनता के सामने हैं। अब कहने से नहीं, जो जनता ने 5 साल देखा है, अपनी आँखों से अनुभव किया कि धोखा मिला है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी घोषणा जमीन पे सफल नहीं हुई, कोई योजना भाजपा की जमीन पे आज कारगर नहीं है। आमदनी किसानों की बात की गई थी, वो दुगनी हो गई, दुगनी तो छोड़ो आधी हो गई। गन्ना पेमेंट की बात हुई थी, गन्ना पेमेंट हुआ नहीं है और अभी भी भुगतान बाकी है, पर्चियां आ नहीं रही हैं। रोजगार नौजवानों की बात हुई थी, मैं भी देखना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं कि मुझे कोई सत्ताधारी नेता ले चले किसी गांव में और दिखा दे कि यहां पे भाजपा सरकार द्वारा उनको नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। उन नौजवानों से मैं मिलना चाहता हूं, मगर मुझे तो सिर्फ कागज़ों में और बड़ी बड़ी रैलियों में घोषणा मिली है।